सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जा होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसहों झटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सतनाम धनवाखे गुरु साहिब जियो निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावह बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको हो है कृपाल सु जन प्रभ तुम्हें मेलासी धन धन ते धन जन जिह कृपाल हर हर भयो हर गुरु नानक जिन परसयो से जन्म मरण दोहों थे रहयो धन धन ते धन जन जिहिं कृपाल हर हर भयो हर गुरु नानक जिन परसयो से जन्म मरण दूं थे रहयो वाह गुरु जी का खालसा वाह गुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर सुभाए मान गुरु सवारे सत संगी जनों अमृत बचन कीर्तन आप जी ने श्रवण कीता है। धन गुरु पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी हजूर दी रचना तो उचारण कीता होया
अज आप जी ने पंजवा सवैया श्रवण कीता है। इस सवैये दे अंदर उस खरी दा रूप हो चुके निराकार दा साकार रूप आदि गुरु तन गुरु नानक देव सचे पातशाह जी उन्हां दी सिफ तो सलाह दे विच बचन कहे ने। चार सवैये असी जो हुण तक विचारे ने उन्हां सवैयां दे अखीर ते ये पवित्र बचन असी चौवां सवैयां दे अंत विच पढ़े है, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जीही क्या बखाने हां के बल 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 सद बलखा। ते इहदे अर्थ असी चारे दिन सवैयां दी संपूर्णता ते करदे रहे हां। फिर अर्ज करदे हैं इन्हां चार सवैयां दे अंत विच गुरु नानक साहिब कृपालु जी उन्हां दे संबंधी ये बचन कहे कि परमेश्वर दे दर दे भगत ने गुरु नानक साहिब, उन्हां वर्गे ने गुरु नानक साहिब, उन्हां दे दर ते तुले होए परवान होए ने गुरु नानक साहिब। ते नाल फिर यह कह गए इस गुरु नानक साहब जी दी उस्तत मेरी एक रचना किन्नी कु कर सकती है, मैं सिर्फ कुर्बान जाना बलिहार जाना सदकड़े जाना वा, मैं उस परमेश्वर का साकार रूप गुरु नानक साहब जी की सिफत करा। कल तक सिफत दे बचन कह, अज गुरु नानक साहब जी दी उस्तत विच जो अमृत बचन गुरु अर्जुन साहब जी ने कहे ने, इस विच हजूर ने कहे कि ओ रब दे प्यारे धनता जोग ने कि जिन्हां उत्ते परिपूर्ण परमेश्वर जी कृपालु होए। केड़े परमेश्वर? कहन लगे जिस दा आकार कोई नहीं। फिर नाल कह दिता जिहड़ा आकार वाला है, जिसनू छल कोई नहीं सकता, जिसने नाश कदी नहीं होना, जिसका रूप निर्मल है वह खेड़े वाला है। बेअंत जीवा ने उस परमेश्वर दे बेअंत गुण गाए, बेअंत लोकां दे बेअंत गुण गाउण दे बावजूद भी उस बेअंत का अंत किसे नहीं पाया। फिर बचन कीता कि जिस उपर मालक जी तू कृपालु हो जाए, ओ जन ओ सेवक तेरे चरणा विच अभेद हो जाते ने। आखिर ते फिर बचन किया जिदे उपर परमात्मा वाहगुरु कृपालु हो गया, उसने तन गुरु नानक साहब जो खरी का साकार रूप ने उन्हां नू परसना किया। परस का आखरी अर्थ हुंदा छूना। जिन्हां ने गुरु नानक साहब खरी का रूप गुरु नानक साहब उन्होंने स्पर्श किया। गुरु अर्जुन साहब कहिंदे इहो जिहे भावना वाले जन्म और मरण दोनों दुखों तो बच गए। जिन्हें गुरु नानक साहब नू परसिया वो दुखों तो छुटकारा मिल गया, जन्म मरण तो वह बच गए। साड़ी अज दी विचार दा विशा भी एक है कि धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जिन्हां ने उन्हां नूं परसिया ते उह छू उह परस किवें प्राप्त होई, किहड़ी किहड़ी छू किस तरह किसे नूं मिली। गुरु नानक साहब कृपालु जी मेहर करन हजूर दे इस अमृत बचन दी विचार प्रेम भावना शरदा अकीदत नाल आपां कर सकीए। तन गुरु नानक साहब जी दे चरणा दा ओट आसरा लवो।
अपनी सुरत नूं एकागर करके यतन करिए इस खिंडे हुए मन विच टिकाओ आ जाए। आप समूह माई भाई बख्शो आसीस और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी, करो बख्शिश फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी उन्हां नूं जिस जिस ने भी परसना कीता उन्हां दा जन्म ते मरण कटिया गया। गुरु की छूह दे नाल मनुख दे अंदर दे भरम दे छोड़ अंदर दे बंधन कटे जांदे ने ते समर्थ गुरु नूं जिस बंदे ने देखिया नहीं जिस बंदे ने परसिया नहीं जिस नूं समर्थ गुरु की प्राप्ति नहीं कोई सच जाणो उहदा संसार ते आया होया व्यर्थ चला गया है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत बचना विच गुरु की उपमा दे बेअंत शब्द जिहड़े ने हजूर ने उच्चारण कीते ने ते उस दिन मैं एक अर्ज कीती सी कि अगो ज्यों ज्यों सवैये गुरु की उस्तत भी चलने ने असी गुरु नूं परमेश्वर रूप हो के देखांगे ते तां समझ पैगी जे केवल गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दी जोत नूं जां गुरु नूं असी आम व्यक्ति दी तरह कहिंदे रहे असी इस तरह वा ओ किवें हो सकदे ने। फिर सच जाणियो खाना पूर्ती तां हो सकदी है पर अंदर नूं भावना नाल समझ भावना तो बिना समझ नहीं पाएगी। साहिब धन गुरु नानक साहिब कृपालू जी दी जोत दे संबंधी भट्टां ने एक अमृत बचन किया है। वो कहिंदे ने गुरु तो बिना अंदर दा अंधकार कदी नहीं मिट सकता, गुरु तो बिना जिंदगी कमाउण दी समझ नहीं पै सकदी, गुरु तो बिना कदी अंदर दी सुरत दा टिकाओ नहीं हो सकता। कहन लगे गुरु दी कृपा हो जाए ते मनुख नूं अंदर दा चानन अंदर दा ज्ञान अंदर दी सूझ आ सकदी। हजूर दे अमृत बचना विच उहना गुरु नानक साहिब जी दी जोत दी उस्तत करदियां ए पवित्र सवैया उचारण कीता है। गुरबिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवै, गुरु तो बिना खनेरा है, गुरु तो बिना समझ भी नहीं पै सकती। जे आम दुनियावी कोई काम सीखना होवे किसी ने किसी मशीन ते काम सीखना होवे कोई गुण ग्रहण करना होवे ते उस बंदे नूं कोई ना कोई उस्ताद अपनी जिंदगी विच धारण करना पैंदा है ते जिन्ने परमार्थ दे मार्ग ते साईं दे घर नूं जाणा ते परमेश्वर दे घर दा विधान है कि उस जिग्यासु नूं उस तड़प रखण वाले नूं पूरे गुरु दा लड़ पकड़ना पएगा। हजूर ने ते फरमाया गुरबिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे, गुरु तो बिना खनेरा है ते गुरु तो बिना समझा भी कोई नहीं सकता। सतगुरु ने अमृत बाणी विच जदो समर्थ गुरु सुमत देंदे ने ते उदो बख्शिश कीती है। फिर गुरु के शुक्र विच एक बचन कह भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वडभागी पाया। भुलिया नूं जे मार्ग दर्शा सकदे ने ते समर्थ गुरु कहिंदे ने वड्डे भाग ने कि समर्थ गुरु की प्राप्ति हो गई। भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वडभागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे बस रह किरदै गुर चरण प्यारे। काम क्रोध लोभ मोह मन लीना बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म पुन मुवा चरण कमल गुर आश्रम दिया। अगन सागर बूढ़त संसारा नानक बां पकर सतगुर निस्तारा। गुरु तो बिना साढ़े अंदर दे बरम बंधन किसे ने निकटने,
इस शब्द दे फिर आपां अर्थ वाच लिगे ते ए गल चेते रखियो अज दी विचार दा तुरा एवे कि जिन्ने गुरु नानक साहब नूं परसिया भावना नाल शरदा नाल उन्हां बंदियां दे जन्म ते मरण दे दो कटे गए। मैं आरंभ विच अर्ज करनी चाहना कि गुरमत विच गुरु दी महानता कितनी कु है। हजूर ने बाणी विच कहा भूले मार्ग जिन्हें बताया, जिस समरथ गुरु ने सानू भुलिया जांदिया नू रब दे घर दा मार्ग दसिया, रब दे घर दा रस्ता दसिया। हुण समरथ गुरु नू पुछिए महाराज रस्ता किवें मिलदा है, ते बाणी विच बड़े इशारे दिते ने जदों असीं पुछने दाता जी खम अंधले अंध बिखे बिखराते, ये मार्ग ही दसदे पए ने भूले मार्ग जिन्हें बताया कि असी आत्मक तौर ते अन्ने आ, सानू जिंदगी दा एक कदम भी आप नजर नहीं आंदा पिया, असी अमृत दी थां ते जहर दे प्याले पै पीने आ, ते तुसी कृपा करके सानू समरथ गुरु जी मार्ग दसो। हजूर दे बचने खम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चालै गुर चाली सतगुर दया करै सुखदाता खम लावै आपन पाली। ते प्रमाण आपां ए चलाने पया कि गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवै, सतगुर दया करे सुखदाता खम लावै आपन पाली। ते भुलिया होया नू मार्ग देन वाले गुरु जी ने अगो बचन किया गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जे भुले होए तू सही मार्ग ते चलना चाहने, तेरिया अखा नू दिसदा नहीं तू समरथ गुरु दी टेक लैनी चाहने, ते फिर मार्ग ते केवल ओ चलदे ने जो गुरु जी कहिंदे नू नू सत बचन करके कमाल है। सत बचन करके कमान तो बिना सुख नहीं। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे अगला बचन है सोई पल मानो, जो समरथ गुरु कहिंदे ने हुण ओनू ए नहीं बद्दा चट्टी जी मनना ही पैणा है। पल मानो दा अर्थ बिना हुज्जत तो बिना तर्क तो बिना कटाक्ष तो बिना भी किसे किस्म दा अंदर दे फुरने बना के, इस तरह नहीं सत बचन करके तेनू मनना पएगा। गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो खर खर कथा निराली। हजूर दे अमृत बचना विच फिर आईए कि एको जिहा गुरु जिन्हें सानू भुलिया होया नू मार्ग दिता, ते उस गुरु ने समरथ गुरु ने परमेश्वर दे नाम नाल सानू जोड़िया, भुले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसे गुरु नानक साहब जी ने ऐसा गुर वडभागी पाया। वड्डिया भागां वाले ने जिन्हां नू गुरु नानक साहब वर्गा रहमतां दा दाता मिल गया, ऐसा गुर वडभागी पाया। ते पूरे गुरु ने साडे मन नू एक उपदेश दिता, कह लगे मन नू रोज समझाया कर कि सिमर मना राम नाम चितारे, हे मेरे मना तू चितारिया कर उस परमात्मा दे नाम नू, चेते करिया कर उस अकाल पुरख वाहगुरु जी दे नाम नू, सिमर मना राम नाम चितारे। ते ज्यों ज्यों नाम चितारना वा ते गुरु लई इन्नी कु भावना बन गई, बस रहे हिरदै गुर चरण प्यारे। समरथ गुरु जी दे चरण कहिंदे ने मेरे हिरदे विच टिक गए वस गए, पर उस गुरु दे जिन्हें सानू भुले नू रसा दस्ता दस्या है, जिन्हां ने साडा मार्गदर्शन कीता। साहब कहन लगे बस रहे किरदे गुर चरण प्यारे। उस गुरु जी ने एक होर समझ पा दित्ती, वो समझ की पाई, कहन लगे काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, जिस नू काम ने क्रोध ने लालच ने मोह ने अहंकार ने ठगिया पिया सी, उस गुरु समरथ ने कृपा कर दिती, जेड़ा मन ठगिया होया सी उन्हें मेहर दी कृपा दी कटाक्ष करके इस दे बंधन कट के नू वकारां तो मुक्त कर दिता। कहन लगे आ तेरे रस्ते विच रुकावट ने काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, गुरु जी ने बंधन कट के मुक्ति दा पात्र बना दिता। अगे साहब कहिंदे ने दुख सुख करत जन्म फुन मूवा, कदी सुख पै भोगया कदी दुख भोगया, कदी जन्म दा दुख सी कदी मरण दा दुख सी। कहन लगे दुख सुख दे चक्कर विच जन्म मरण दे गेड़े विच भटकदे रहे, हुण समरथ गुरु ने कृपा कीती दुख सुख कर जन्म फुन मुवा, चरण कमल गुर आश्रम दिया, आश्रम दा अखरी अर्थ दा टिकाणा मिल जाणा।
पूर्ण तौर ते टिक जाना। सम्राट गुरु ने मेहर की, कह लगे इस अंदर नू टिका दे दिता, साहब जी बख्शिश करदे ने। फिर सम्राट गुरु ने नी होर कृपा की कि अग्न सागर बूढ़त संसारा, कि दुनिया अग दे सागर विच डुबी पई सी। ते सच जानो साहब ने जेडे बचन कह रहे ना, दुनिया विच किते तां अग दे लांबू भांबड़ जेडे ने परताख बलदे पए ने, ते किते गुजी गुजी अग बलदी पई है, पर अग बलदी सारियां थावां ते पई। हजूर ने बाणी विच एवें नहीं बचन किया, गुजी पाहे जलै संसारा, कईयां दी अग परताख वकारां दी प्रगट हो रही है, कईयां दे अंदर रोज अग धुखदी पई है, पर बलदे सारी पए ने। हजूर कहिंदे ने संसार दे लोक अग दे समुंदर विच तपदे पए ने, सड़दे पए ने। बाबा नानक जी ने तां ही बाणी विच बचन कह, भाई गुरदास ने ते गुरु नानक साहब जी दी रसना तो कहाए उन्हां दे बचन ने कि बाबा देखै ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिशाई। सारी दुनिया सड़दी पई है, तपदी पई है, विलकदी पई है, ते गुरु ग्रंथ साहब जी ने कहा कि गुजी पाए जलै संसारा। बाबे फरीद साहब ने क्या कहन लगे, किज ना बुझै किज ना सुझै, दुनिया गुजी पाए, कोई समझ नहीं पैंदी पई, कोई सुझदा नहीं पिया। क्यों कहन लगे, असल विच दुनिया विच गुजी अग बलदी है, जेडे चेहरे नूं खसदे देखने ओदे अंदर भी अग दे भांबड़ पए ने। गुजी अग दा मतलब यह हुंदा है कि जेड़ी बाहरों पर तक दिसदी नहीं, पर अंदरों अंदर दिन 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 रात करके वह साड़ी जाती है। जे किसी ने गुजी अग देखनी होवे पिंडा थावां ते, तुसीं कई बार देखो जिथे जिमीदार रूड़ी कोया सुक्का सटदे ने, उस रूड़ी दे ढेर नूं किते अग लग जाए, बाहरों तिंज लगेगा, थोड़ा जिहा धूं पिया निकलदा, कोई गल नहीं। पर जे सच जाणो अंदरे अंदर उस नूं उत्तों खोल के थल्यों झाती मारो, ते सारी दी सारी मली जिहड़ी उह सड़ के सवाह हो जांदी। गुजी पाएदार ते जिहड़ा बाहरों भुलेखा हसंदा पाए, बाहरों भुलेखा शरीफ होण दा पाए, बाहरों भुलेखा भगत होण दा पाए, बाहरों भुलेखा संत होण दा पाए, पर अंदरे अंदर वकारां दी अग ने उहदे अंदर नूं साड़ के सवाह कर दित्ता होवे, इहनूं कहिंदे ने गुजी पाए। बाहर प्रगट नहीं हो रही, पर अंदरे अंदर वकारां ने थोथियां कर दित्ता। बाबा फरीद साहब ने बचन कह, किज ना बुझै किज ना सुझै, दुनिया गुजी पाहे। दुनिया ते मानो एक गुजी अग है, घर घर विच बलदी पई। मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सां, असी शलोक इत्थों आरंभ कीता है कि गुरु तो बिना गुरमत ने कह पार उतारा नहीं, गुरबिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवै, ते प्रमाण ये अर्ज कर रहा सां भूले मार्ग जिन्हें बताया। इहदे अखीर विच साहिब कृपालू जी कहिंदे ने अगन सागर बूढ़त संसारा, दुनिया अग विच सड़दी पई है। नानक तन गुरु अर्जुन साहिब फरमाउंदे ने, बाहां पकड़ सतगुर निस्तारा। पूरे गुरु ने इस बलदी हुई अग विचों बाहां पकड़ के सानू बाहर कढ लिया। कदी आम मनुख वल झाती मारीए, हर बंदे दे अंदर नूं असीं जदों देखने आ, असल विच कई वारी असीं लोकां दे घर दी बलदी कोई अग दीआं चिंगारियां अपने घर लै आउंदे। बहुतात जिथे असीं बैठने आ, हर एक दा तजर्बा है, मेरा भी है तुहाडा भी है। असीं अपनी गल नहीं करांगे, मैं कित्थे खलोता वां, मैं सवेर तो लै के अज शाम तक मेरा नेम की है, अपनी जिंदगी दा कोई नेम नहीं। ते उस वेले बैठ के असीं निंदिया उन्हां दी करी जांगे जिन्हां तक साडी पहुंच नहीं। तीन घंटे तक कलपी जांगे। मैं उदाहरण एक देना वा, मान लो किसी लीडर दा जिक्र आ गया, उत्थे बैठे बैठे ज्यों गालां कढ़न लगे, ज्यों भैड़ा बोलन लगे, तीन घंटे अपनी जमान तो जो कुछ आया ऊल जलूल बोली गए, ते तीन घंटिया तो बाद उन्हें किड़े कुर्सी ते लै जाना, उन्हें उस तरह ही बैठे रहना है। हाँ, ओदी बलदी अग दी चिणग तेनू लगी, तीन घंटे तू जरूर सड़दा रहा। हुण दुनिया दूजे की अग भी सड़दी पई है। आम तौर पर देखो बाहरों किसी के घर अग बली होवे, ते कदी असी कह भी असी इस घर की अग चुक के अपने घर भी लावांगे, सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। किसी के घर बाहरों अग लगी होवे
ਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੂੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਂਬੜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥ ਵਾਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਰਥ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਰਥ ਹੈ ਲੋਕ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭੜਕੇ ਪਏ ਨੇ ਜੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਦੇਣਾ ਚਿਹਰੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਅੱਗ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰਨਾਉ ਆਤਿਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇਣੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਜਲਨ ਬੁੱਝੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਕੂਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲੰਗ ਚੰਦਰ ਦੇਵ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤਨ ਤੋਂ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਗਨ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕਲਪੀ ਜਾਏਗਾ ਵਿਲਕੀ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲੰਗ ਚੰਦਰ ਦੇਵੈ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲੰਗ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਚੰਦਨ ਕਸਾ ਕਸਾ ਕੇ ਲੇਪਣ ਕਰ ਦਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਤਪਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਏ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਪਈ ਬਲਦੀ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਤਿਉੜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਪਿਆ ਜੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਸੜਦੀ ਪਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦੱਸਣਾ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਏਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਏਮ ਬਣਾਇਆ ਮਕਸਦ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਬਿਨਾਂ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਤੁਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਏਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿੱਥ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਕਦਮ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਰੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੀ ਤੁਰਨੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੱਠ ਕਰਕੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪਾਂਗਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੰਨਣਾ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਏਮ ਬਣਾ ਤੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਟਣ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਥਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਏਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਉਣਾ
ते जेड़े उस नदियां तो टुट के किते वाड़े बन जान, दरियावां तो टुट के पासे चले जान, सच जाणियो उह सुख ते जाणगे पर उह समुंदर विच कदी लीन नहीं होणगे। अपनी जिंदगी दा जिन्ना एम बनाया भी मैं किसे टिकाने ते पहुंचना, सच्चे पातशाह जी दी अमृत बाणी पढ़दे हां, हजूर दा एक बचन असीं पढ़ने हां, गुर सेवा ते भगत कमाई तब यह मानस देही पाई। ये अर्थ बड़े स्पष्ट ने, अर्थ यह भी कर रहे हैं भी गुरु की सेवा ते रब की भगती की मनुखा देही मिली। कई सज्जने सोचते ने भी जे उन्होंने गुरु की सेवा ते रब की भगती करके मनुखा देही पाई तो वह किहड़ा समा सी जदों इन्हां गुरु की सेवा ते रब की भगती की, उदों किसे रूप विच सन? असल विच इस पवित्र बचन दे अर्थ ने गुर सेवा ते भगत कमाई, जिन्होंने गुरु की सेवा ते रब की भगती की तब यह मानस देई पाई। ता मनो भी वाकई मनुखा देई विच आए परवान ने, जिस बंदे ने शरीर ले लिया पर गुरु की सेवा ते रब की भगती नहीं की, महाराज वह मनुख नहीं? कह लगे बिल्कुल झूठ, वह मनुख भी नहीं। मैं बाणी विच अर्ज करनी, जे गुरु की सेवा ते रब की भगती है तो साहब ने पे कह लगे गुर सेवा ते भगत कमाई तब ए मानस देई पाई। ते महाराज दूजे भी तो अपने आप नूं बंदे कहांदे ने, कह लगे नहीं हकीकत विच करतूत पशु की मानस जात, वह बंदे नहीं कहा सकते, उन्हां दी करतूत उन्हां दे काम पशुआं वाले ने, बस एक मानस की जात उन्हां दे कोल, दे मनुख दी है ते कर्म उन्हां दे पशुआं तो विनखिद ने। पर कई थां ऐसी आ जांदी है जिथे करतूत पशु की तो भी मनुख थले डिग पैंदा। मैं दो चार प्रमाण दे के फिर अपने विषय वल आउणा कि गुरु नानक साहब जी जिन्हें परसिया वह जन्म मरन उन्हां दा कटिया गया। हजूर कृपालू जी ने क्या कहन लगे, गुर सेवा ते भगत कमाई तब ए मानस देही पाई। गुरु ग्रंथ साहब जी दे अमृत बचना विच ते भाई गुरदास दी रचना विच ओह कहिंदे ने मानस जन्म अमोल है, होए अमोल साध संग पाए। मनुखा देही अमोलक है पर गुरु की नजर विच ओदने दी कीमत ते जिदने साढ़े त्रैमण देवरी ने किते गुरु की संगत विच लै है। मानस जन्म अमोलक है, होए अमोल साध संग पाए, अखी दो निर्मोलका, अखा दोनों जेड़ियां ने वो निर्मोलक ने, पर उस दिन जिदन गुरु दे दर्शन विच समा जा। खैर मैं जेड़ी बेनती कर रहा सा कि करतूत पशु की मानस जात, शरीर बंदे दा करतूत पशुआं वर्गी है, पर मैं अर्ज करा कई थावी ते बाणी ने झलक दिती है जिथे बंदा पशु की करतूत तो भी थले चला जाता है। महाराज करतूत पशु की मानस जात क्या ते बंदा पशु की करतूत तो पशु दे काम तो भी नखेदे? गुरु साहब कह लगे हाँ, पशु मिले चंगियाईयां खड़ खावे अमृत दे। पशु भी कई थां ते करतूत है, वह जी चंगी कर जांदा है, वह सुके कख खा के भी अमृत वर्गा दुध दिंदा है ते बंदा 36 प्रकार दे भोजन खा के भी रब नूं उलामे दिंदा है। फर्क नहीं, एक पशु वल झाती मारीए, पशु खड़ खांदा है सुके कख खांदा है, वह कख खा के भी शाम नूं बंदे दा जिन्ना उन्हें दाणा पट्ठा पाया दुध दी बाल्टी नतार दिंदा है, ते जे किते बलद नूं बंदा पट्ठे पांदा है सारा दिन खाल अगे जो लैंदा है, पशु तां करतूत फिर भी बंदे नाल चंगी कर रहा है। खड़ खावें अमृत दे, इत्थे पशु उच्चा है। दूजे पासे साहिब कृपालू जी दे अमृत बचन पढ़ने हैं जिथे बंदा पशु की करतूत तो भी नीवा चला जाता है। हजूर दे दो प्रमाण ने, पशु दा अर्थ मैं जानवर करांगा, चार पाया जानवर। हुण जदों असीं इन्हां जानवरां वल झाती मारने आ, बंदे की करतूत जिहड़ी है उहदे नालों आम जानवर की करतूत, करतूत दा खरी अर्थ कम समझियो, उहदे कम बंदे दे कमां नालों चंगे ने। महाराज जी ने बाणी विच कह कह लगे कबीर साकत ते सूकर भला, बंदे नालों चंगा कम कर गया है करतूत पशु की। पर साहब ने बाणी विच इशारे दिते बंदा कई वारी पशु की करतूत तो भी निखिद चला जांदा है। कहन लगे कबीर साकत ते सूकर भला, हुण जिहड़ा बंदा है जिहड़ा सूर नूं इन्ना प्यार देगा, असीं आम तौर ते सूर लई जदों शब्द वरतने आ
निखिध शब्द ही वरते जाएंगे। उहदा काम है केवल गंदगी विच मूह मारना। साहब कहिंदे ने नाम तो विखोण बंदे दी देही नालों एक सूर दी देही चंगी, उहदी करतूत चंगी। वह घट्टो घट लोगों की गंदगी समेट के प्रदूषण से कंट्रोल करने विच उहदी सहायता करता है, पर बंदा सब कुछ खा के इस दुनिया विच वकारां वाले अपने सवासां दा प्रदूषण फैलांदा पिया। इहदा वासनावां विच भरिया होया अंदर उत्थे पशु की करतूत नीवा चला गया। साहब ने फरमाया, कह लगे कबीर साकत ते सूकर भला रख है अच्छा गाँव, वो साकत बपड़ा मर गया कोई ना लेख है ना। इथों तक हजूर ने फरमाया कबीर वैष्णो की कूकर भली, हुण बंदे की करतूत नालों एक कुत्ती की करतूत चंगी। कबीर वैष्णो की कूकर भली साकत की बुरी माए, ओ नित सुना हर नाम जस ओ पाप बिसाहम जाए। रब दे दर ते बैठी एक कूकरी, ओदे कन्नां विच कदी कदी आवाज राम नाम दी गोबिंद दी गोपाल दी वाहिगुरु दी पैंदी है। कहन लगे जिन्हों आपां 84 दा सरदार कहने दे मां नालों तां फकीर दी कुत्ती चंगी, मां तां राह पई वेंदी है कदों आवेगा लोकां नूं लुट के ते गटड़ी फोलांगी पुत्तर की कुछ कमा के लियाया। कह लगे कुत्ती हमेशा बोवे अगे बैठी वेखदी है कदों भगत उठेगा उच्ची धुन रब दे नाम दी लाएगा, वो नाम दी धुनी मेरे कन्नां विच वी पै जाएगी। इहदा मतलब बंदा फिर करतूत करके पशु तो भी निखिध जापदा है। मैं जिहड़ी बेनती कर रहा, गुरु जी ने एक गल समझा दित्ती कि संसार अग विच सड़दा पिया है, देख तू इस अग तो बच सकना है पर लोकां दीआं चिंगारियां अपने घर ना लिया। कोई सड़ी जांदा है तू बगैर मतलब तो नू देख के अंदरों अंदर पुजी जाना है, तेनू इहदे विच की मिलना है। हजूर कृपालू जी ने कहा फिर तेनू भूले मार्ग गुरु जिन्हें बताया उन्हें मार्ग दसिया न शीतलंग बामन चंद्र है। आपां पढ़ रहे सां कि ना 52 उंगला चंदन तेनू शीतलता देगा, न शीतलंग चंद्र देवै न शीतलंग बामन चंदनै न शीतलंग शीत रुतेण। कोरा पैंदा पे बफर बर्फ पैंदी है स्नो पैंदी है, बर्फबारी हुंदी होवे ते जिस बंदे दा अंदर क्रोध नाल तपिया काम नाल तपिया है ना, मैं कहना उन्हूं सारा दिन स्नो दे विच नप्पी रखो, बाहर निकल के फिर भी अग ही सटेगा। इन्नी शीत विच रह के भी उहदे अंदर दी अग नहीं मिट सकदी। मैं शीतलंग शीत रुतेण। सच्चे पातशाह ने फिर एक जुगत दसी, कहन लगे जे अंदर दी ठंड चाहना नानक शीतलंग साध स्वजन है। रब दी बंदगी करन वाले परमेश्वर दे नाम विच भिजे जिहड़े अपने अंदरों टिका विच ने ठंडे ने, उहनां दी संगत करे ते तेरे अंदर नूं ठंड मिलेगी। जे तू उहनां दी संगत करके गुरु गुरु जपे ते तेरे भटकदे हुए मन नूं शांति मिलेगी। जिथों असीं शब्द आरंभ कीता सी कि गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे, अज समर्थ गुरु नानक साहिब जी दी उपमा दे बचन कहे ने। हजूर फरमाते पेने के गुरु तो बिना खनेरा है, गुरु तो बिना समझ नहीं पैंदी। गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, किन्ने मेरे मना तू गुरु नू सच करके मन लै, गुरु दे बचना नू सच करके मन लै। हजूर फरमाते पेने गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, कर गुर कर शब्द सपुन अगन कटै सब तेरे, गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कब नल कहे, जिन गुरु नह देखियो नह कियो ते अकियात संसार। तू गुरु नु नेत्रा करके दर्शन कर, बचना करके गुरु गुरु कर, ते जिन्हां बंदियां ने ना गुरु नू बचना नल जपया ते ना गुरु नू नेत्रां नल देखिया ते भट्ट जी कहिंदे ने हकीकत विच उहनां दा संसार ते आउणा व्यर्थ है, उह जैसे आए तैसे ना आए। गुरु अर्जुन साहिब समर्थ गुरु जी ने अज कृपा भरिया बचन कहे आदि गुरु नानक साहिब जी दी सिफत करदे आ। इह रहमत परे बोल कहे ने कि जिन्हां ने गुरु नानक साहिब जी नू स्पर्श कीता वो जन्म ते मरण तो रह गए। पहली गल साडे अंदर दी भावना है, मैं अपने गुरु नू किस नजरिए नाल देखना है। मैं आरंभ विच भी अर्ज कीती है कुछ लोग गुरु नू व्यक्ति जानते ने,
कुछ लोग गुरु नू एक सिख्या दाता तक ही समझते ने, ते जदो किते सी गुरु ग्रंथ साहब दे अमृत बचन पढ़िए, भाई गुरदास सिखी दे महान विद्वान नू पढ़िए, वो समर्थ गुरु नानक साहब जी की उपमा करदे इको गल कहिंदे ने, निराकार दा आकार ही गुरु नानक साहब है, सरगुण है ही ओ। ते देखो बाबा जी फिर अपनी निम्रता जो जाहर करते ने, उन्हां कला ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर, यह सिख के अंदर की भावना है कि वह निराकार का रूप साकार रूप में गुरु नानक साहब ने। ते जिदन किसे दिन उन्हां ते सवाल किया जाता तुसी कौन, केड़ी शक्ति तुहाडे कोल, ते उत्थे कदी निम्रता भरे बचन बाबा नानक जी दे सुनियो, भाई गुरदास जी ने एक पौड़ी कही है, कहन लगे बाबे डिठी पृथ्वी नवें खंड जिथों तक आही। मेरे बाबे ने सुरती दे मार्ग नाल सारी इस धरती नूं देखे है, ते भाई गुरदास जी दे कथन मुताबक धरती दा कोई खिता ऐसा नहीं जिहड़ा मेरे बाबे दे अंदर दी सुरत तों विरवा रह गया होवे। सारी धरती उहनां देखी, बाबे डिठी पृथ्वी नवें खंड जिथों तक आई, फिर चढ़िया जाए सुमेर पर सिद्ध मंडली दृष्टि आई। बाबे नानक ने इसे अपनी सुरत दे नाल अपने ध्यान नाल जदो सुमेर ते गए, उत्थे सिद्धां दी एक मंडली दृष्टि आई, दर ते नजरी पई। असल विच तां पता ही सी वी उस थां ते उह बैठे ने, 84 सिद्ध गोरख आदि मन अंदर गणती वरताई, 84 सिद्ध बैठे ने गोरख आदक, उन्हां दे मन दे अंदर वो गिटियां पे गिणदे ने भी ये कौन आ गया। उत्थे एक बचन कह, सिद्ध पुछन सुन बालिया, कौन शकत तू इत्थे लियाई। बालिया दा आखरी अर्थ है बालके, कहिंदे ने खे बचड़ू खे बालके, केड़ी ताकत केड़ी समर्थ है जिहड़ी तैनूं इन्ने शिखर ते लै के आ गई, तू साडे कोल पहुंच गया, तेरे कोल ताकत केड़ी। ते अगो सतगुरु जी का उत्तर यह थोड़ा क्या, मैं रब आ गया, मैं बेनती की सिखा तेरे अंदर की भावना चाहती है, मेरा समरथ गुरु पार ब्रह्म का ही रूप है, चेते रख। तेरी श्रद्धा अकीदत देनी चाहती है, मेरा खसम ही है। हजूर नू जदो पुछया कौन शक्त तू इत्थे लियाई, ते अगो सच्ची सरकार का उत्तर सी, खौ जपया परमेश्वरो भाओ भगत संग ताड़ी लाई। उस परमेश्वर नू जपया है, ताड़ी दा अखरी अर्थ हुंदा समाधि लानी सुरत टिकाणी। कहन लगे प्रेमा भगती दी बदौलत उस मालक दे चरणां नाल अपनी ताड़ी लाई, अपनी सुरत नू जोड़िया। खौ जपया परमेश्वरो भाओ भगत संग ताड़ी लाई, आखण सिद्ध सुन बालिया अपना नाम तू दिओ बताई। अगला सवाल सी, पहला यह सी भी केड़ी शक्ति तेनू इत्थे लियाई, ते उहदा उत्तर सी इक्को तुक विच कि परमेश्वर नू जपिया प्रेमा भगती दी समाधि लाई। उन्हां ने दूजा सवाल कीता, आखण सिद्ध सुन बालिया अपना नाउ तुम देओ बताई, ते अगो सच्ची सरकार दा उत्तर सी, कहन लगे बाबे आख्या नाथ जी नानक नाम जपे गत पाई। नाउ मेरा नानक है, ते मुक्ति दा वसीला केवल परमेश्वर दा नाम है, बंद खलासी केवल नाम नल सकती है। कहन लगे अगला बचन सी कि जे उच्ची पदवी ते पहुंचना चाहते हो, सिद्धां दा सवाल है, भावें भाई साहब ने नहीं उस पौड़ी विच दिता, कहन लगे सानू एक कृपा करके दसो उच्चे मरतबे किवें मिल सकते ने, मरातबे किवें मिल सकते ने। साहब ने बचन किया, कहन लगे नीच कहाए ऊच कर आई। नीच कहाए दर ते जिहड़ा अपने आप नूं निम्रता विच रखेगा, जिहड़ा अपनी खौमे नूं मार के निभ जाएगा, जिहड़ा अपने अंदर दी खौमे नूं बिल्कुल खत्म करेगा, सच जाणियो जिहड़ा नीच कहाएगा एक दिन सब तो उच्ची पदवी ते पहुंचेगा। नीच कहाए ऊच कर आई, वह उच्चे घर विच उत्तम पदवी ते जा विराजमान होणगे। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने अनेकां जीवां नूं अपनी छोह दे के तारे है, ते मैं अर्ज कीती नजरिया आपो अपना है, असी केड़े ढंग नाल केड़ी भावना नाल देखना है। हुण गुरु ग्रंथ साहब जी ने समर्थ गुरु तां कह के गए, भाई ये प्रगट गुरां की देख है। चलो भावें ज्ञानी ज्ञान सिंह ते प्रहलाद सिंह दे हुकमनामे दी असी गल करने, रहतनामे दी,
पर जे किते सम्राट गुरु दे प्यारे सिख भाई नंद लाल जी नूं पुछिए ओ तां कहिंदे ने गुरु गोबिंद सिंह ने कहा लाल जी गुरु ग्रंथ साहिब मेरा रूप जाणियो एक एक अखर रोम जाणियो ते जिन्ने मेरे नाल गल करनी होवेगी ना ओ सवेरे परिक्रमा करके मेरी गोदी विच बैठ के जदों बाणी दा पाठ करेगा मेरे नाल गल्लां करेगा। हुण भाई नंद लाल तो सियाणा ते असीं नहीं जम पैणा कोई विद्वान ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਰੁਮਾਲੇ ਗਰਮ ਕਿਉਂ ਜੀ ਠੰਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੂਲਰ ਕਿਉਂ ਜੀ ਏਸੀ ਕਿਉਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਏਸੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਵੇ। ये अंदर दी भावना है। धन गुरु अर्जुन देव समर्थ ने अज भी तुसी हरिमंदर साहब विचों जदों गुरु ग्रंथ साहब दा स्वरूप जांदा है ते कोठा साहब विराजमान करके थले सिंह साहब चादर विछांदे ने गुरु के सेवादार वो चादर गुरु अर्जुन साहब दे विश्राम करन वाली थां ते है कि गुरु ग्रंथ साहब उच्चे ने। इहदा मतलब सिखा तेरे कोल रब ने अकल तेनू गुरु तो वध सियाणप दे दित्ती। साहब कृपालू जी ने अमृत बाणी विच पंज दी शिफ्त कीती है जिथे बाणी लिखी जांदी है ते मैं पिछले वरी अर्ज भी कीती सी उहनां विचों सब तो पहला क्या है प्यारिया कागज ते दुनिया दे बड़े ने अखबार पढ़ना है 10 मिनट विच उहनूं रद्दी दी टोकरी भी जा सकनी है। अखबार दा कागज बड़ा कीमती होवे किसी मैगजीन का कागज बड़ा कीमती होवे रंगदार होवे छपाई करन विच भी कमाल कीती होवे पर तू मैगजीन दीयां मूर्तां नूं मत्थे नहीं टेकेगा अखबार नूं मत्थे नहीं टेकेगा। कागज तां उह भी है शाही तां उहदी भी वरती गई है लिखण वाले ने सैटिंग उहदी भी कीती है पर गुरु अर्जुन साहब गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने कहा कि साढ़े घर के अंदर जेडे भावना वाले होणगे वह पंजां दा अदब करके उन्होंने धन कहणगे। महाराज वो पंज कहड़े पहला बचन कीतो ने कि उस कागज नूं नमस्कार करके सत्कार देणगे जिस कागज दे उत्ते गुरु का नाम लिखा जाएगा। यह बाणी दे बचन ने। दूजी गल उस कलम नूं सत्कार दिता जाएगा जिस कलम नाल गुरु की बाणी लिखी जाएगी। तीसरी गल उस भांडे नूं जिहदे विच शाही भोली ते शाही नूं तन कहा जाएगा जिहदे नाल ला ला के कलम डोब के बाणी लिखी ते चौथा उहदा सत्कार कीता जाएगा जिहड़ा हत्थ विच कलम पकड़ के बाणी लिखदा है ते पंजवां उहदे चरणां तों विदा होया जाएगा जिहड़ा कोल बिठा के सच दा दाता गुरु बाणी लिखा रिहा। हजूर ने अमृत बाणी विच बचन कह धन सो कागद कलम धन धन भांडा धन मस ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत बचन पढ़न वाले गुरसिखो सिदक बना के देखिए। एक हुंदा सी तर्क कर रहे हैं बिना तजर्बे तो प्रैक्टिकल करन तो बिना अपने कमेंट्स दे रहे हैं। मैं कहना तू 6 महीने समर्थ गुरु जान के पूज के देख समर्थ गुरु जान के गोदी विच बैठ के बचन करके फिर तू कह ते तेरी गल नूं स्वीकार करांगे। मत्था तां भावना नाल एक दिन ही टेकिआ ते कटाक्ष तू कई कई महीनिआं तों करी जांदा तू तजर्बा करके गल कर ते तेरे चरणां च नमस्कार करांगे। हुण बिना प्रयोग तो बिना प्रैक्टिकल करन तो हजूर ने कहा धन सो कागद कलम धन धन भांडा धन मस धन लिखारी नानका जिन नाम लिखाया सच। साहिब भाई नंद लाल जी ने पवित्र बचन कह कहन लगे दूसर रूप ग्रंथ जी जान इनो अंग मेरो करमा गुरु ग्रंथ साहिब नूं मेरा अंग जानी। ते एक मैं बेनती करनी है तर्क कटाक्ष ना समझियो पता नहीं एक किस बंदे ने सानू हक दे दिता। गुरु अर्जुन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब दी बीड़ लिखांदे पए ने भाई साहिब भाई गुरदास जी बाणी लिखदे ने तुसी सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर किते बापू कालू जी दा नां पढ़िया किते मां तृप्ता दा नां पढ़िया। हालां पूजन योग ने
धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। सारे गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच किते माता गंगा जी का नाम नहीं पढ़िया। पता नहीं सानू किस बंदे ने इजाजत दे दी भी गुरु ग्रंथ साहब के पहले पन्निया ते तुसी फर्म दा ते संस्था का नाम लिखन लग पवो। जदों असी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ने काने नू पीलू नू छज्जू नू तो शाह हुसैन नू उन्हां दी रचना सुन के भी उन्हां उत्ते चाड़ी नहीं गई। सानू किन्ने हक दे दिता अपनियां अपनियां फर्मां दे अपने बुढ़िया दे नाम लेके सारे जगत सिख जगत तो मत्थे टकवाई जाने। इधर वाकई सोचना पैना है। यह गल वक्री इहनू कोई गल नू सट पाए। जितनी वर्गी कोई वड्डी संस्था होवे श्रोमणी होवे भावें पर सानू किसे नहीं हक दिता भी गुरु ग्रंथ साहब दे एक एक पन्ने दे जिहड़े अंग लिखे ने अंगां दे थले अपनी मोर पा के श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी लिख दिओ। तुसी देखो गुरु ग्रंथ साहब दे जिहड़े सरूप ने इत्थे भी प्रकाश होए हैं घरां विच भी सी प्रकाश कीते ने। उत्ते अंग लिखे है 15 अंग ते थले कमल दा फुल बना के वो अखर जिहड़े चार ने ससा रारा पप्पा गग्गा आदिक। गुरु के सिखो सानू किसी एक संस्था नू कह दिता भी तुहाडी जिहड़ी प्रवानगी मिल गई अपनी मर्जी नाल तुसी एक अखर अगे पिछे नहीं कर सकते। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਗ ਮਾਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇ। ਜੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਖਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੈ ਰੋਮ ਰੋਮ ਮੇਰਾ ਅੱਖਰ ਜਾਣੀ ਦੂਸਰ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ ਇਨਹੋ ਅੰਗ ਮੇਰੋ ਕਰਮਾਨ ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੱਖਰ ਸੋ ਲਹੋ ਬਾਤ ਜਥਾਰ ਤੁਮ ਸੋ ਕਹੋ ਜੋ ਸੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਆਏ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੀਨ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰੇ ਸੁਜਾਨ ਜੋ ਮਮ ਸਾਤ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਬਾਤ ਗੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਥ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੱਤ ਕਾ ਪੂਤ ਸਲ ਕਾ ਪਿਤਾ ਬਨ ਕਾ ਭਾਈ ਸਭੈ ਜਾ ਗਾਇਓ ਮਰਬ ਕਾ ਰੱਬ ਪੰਮ ਕਾ ਗੁਰੂ ਤੀਨ ਸੱਸੇ ਜਿਸ ਪੈ ਸੀਸ਼ ਚੁਗਾਇਓ ਤੀਨ ਦੱਦੇ ਪਗ ਜਾ ਚਾਟਤ ਜਾਂਕੈ ਜਾਂਕਾ ਰੱਦ ਨੇ ਪੀ ਭੈ ਖਾਇਓ ਸੱਤ ਸੱਤ ਕਾ ਮਾਲਕ ਬਾਲਮ ਨਾਨਕ ਖਾਲਕ ਬਨ ਕੇ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਵਿਤ ਦੇ ਕਦੀ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅਨਣ ਸਿੱਖ ਤੇਰਾ ਅਨਣ ਭਗਤ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਤ ਕਾ ਪੂਤ ਸਲ ਕਾ ਪਿਤਾ ਬਨ ਕਾ ਭਾਈ ਸਭੈ ਜਗ ਗਾਇਓ ਇੱਕ ਬਿੱਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਕੱਤ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕੱਕਾ ਤੇ ਤੱਤਾ। ਕੱਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਤੱਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਤ ਕਾ ਪੂਤ ਸਲ ਕਾ ਪਿਤਾ ਸੱਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲੱਲੇ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਸਲ ਕਾ ਪਿਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ
कि तपीशर श्री चंद जी ते लखमी दास दे बापू ने धन गुरु नानक साहब जी ओ बाबा श्री चंद ते बाबा लखमी दास दे बापू जान के पूजदे ने सिकबित वल तवज्जो दिया जे कत का पूत सल का पिता बन का भाई सब जग आयो हुन बन बब्बा ते नन्ना बब्बे दर ते बेबे नन्ने दर ते नानकी कोई गुरपुरब वाले दिन ही गाई जांदा बेबे नानकी दा भरा है ते बेबे याद विच बैठी ते बाबा घर आ गया हुण इह भावना नाल गांदे ने ओह कहिंदा जे मेरे अंदर नूं कोई खोल के वेखे मेरे लिए गुरु नानक साहिब की है किसे दी नज़र विच बाबा कालू ते मां तृप्ता दा पुत्तर है पहले कवित दी तुक दे अर्थ किसे दी नज़र विच बाबा श्री चंद ते बाबा लखमी दास दे बापू ने किसे दी नज़र विच बेबे नानकी दा वड्डा भरा है कत का पूत सल का पिता बन का भाई सब जग गायो मरब का रब पम का गुरु तीन ससे जिस शीश चुकायो मरब दा अर्थ अखरियो करदा कह लगा मम्मे दा अर्थ भाई मरदाना रारे दा अर्थ करदा राय बुलार ते तीजा शब्दों ने बब्बा वरत्या बब्बे दा अर्थ भाई बाला करदा कहिंदे इन्हां तिन्हां दा मानू रब है कोई मरदाने दा रब कहिंदा है राय बुलार दा मुर्शिद कहिंदा है मरब का रब पम का गुरु पम दो शब्द ने पप्पे ते टिप्पी लगी इहदा अर्थ है पंडित ते अगे शब्द आया मम्मा मम्मे दर ते मुल्ला कहन लगे कोई इस करके गाई जांदा है बाबा नानका तू पंडित दा ते मुल्लियां दा भी गुरु है मरब का रब पम का गुरु तीन ससे जिस शीश चुकायो तेरे प्रकाश नु देख के तीन ससे भी चुक है ससे दा अर्थ सारी सृष्टि ससे दा अर्थ शेख नाग ससे दा अखरी अर्थ करदे ने सस चंद्रमा तीन ससे जिस चीज चुकाया तीन ददे पग चाटत जाके बाबा नानका तीन ददे तेरे पैरां दी धूड़ पै मंगदे ने केड़े कहन लगे भावे मानस खाने दैत उनो भी तेरे चरणा दी धूड़ नाल तरदे पै तीन ददे देवते ने ओ भी तेरे चरणा दी धूड़ लोचदे ने देवियां ओ भी तेरे चरणा दी धूड़ लोचदियां ने तीन ददे पग चाटत जाका जाका रद ने पीपे गायो रद दा अर्थ दो अखर ने रारा ते ददा रारा दा अर्थ रात ते ददे दा अर्थ दन बाबा नानका दिन ते रात भी तेरे पै भी चलदे पै तेरा पै खांदे ने तू अकाल रूप है जाका रद ने पीपे खायो सत सत का मालक बालम सत ते सत चौदह चौदह तबक ने कहिंदा लोको किसे लई पिता किसे लई पुत्र किसे लई भरा किसे लई गुरु किसे लई भय देण वाला सर्व शक्तिमान कहन लगे जे किते बालम नू पुछ के देखो बालम वास्ते तां खुदा ही बाबा नानक है सत सत का मालक बालम नानक खालक बन के आयो फिर मैं कबित अर्ज कर दिया कत का पूत सल का पिता बन का भाई सब जगायो मरब का रब पम का गुरु तीन ससे जिस शीश चुकायो तीन तदे पग जाट जाके जाका रद ने पीपे खायो सत सत का मालक बालम नानक खालक बन के आयो समरथ गुरु तन गुरु नानक साहब जी दे फिर दिना जिना दर्शन पाए जिना जिना ओनू परसिया ओना नू परसन दे नाल मुक्ति मिली ओ छुट गए ते गुरु दी छू मिलन दे एक दिन अर्ज कीता सी कि गुरु अर्जुन साहब जी दी 18वीं अष्टपदी इस 18वीं अष्टपदी दा श्लोक ते अगे जेड़े पदे ने ओ समरथ गुरु दी व्याख्या कर दे श्लोक यही है ना कि सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिशका नाउ तिशका संग ओदे स्पर्श होण नाल ओदे छून दे नाल ओनू टच करन दे नाल ते केनू केवल नू स्पर्श करना बाज मुखी अर्थ ना समझियो जिन्हें अंदरों गुरु नानक साहब दे चरण परस लए ने सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिशका नाउ तिशकै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ एदे विच फिर पहले पदे विच गुरु की उपमा दित्ती समरथ गुरु किन्नी कु कृपा करदे ने सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवको गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल किरै गुर बचनी खरनाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख बेकार ते हटै सतगुर सिख को नाम तन दे
गुर का सिख वडभागी है, सतगुर सिख का हालत पलत सवार है, नानक सतगुर सिख को जी नाल समार है। जिन्हें मेरे समर्थ गुरु नु परसिया उन्हां दे अंदर दी मैल गुरु ने धो दी, जिन्हां गुरु नानक साहब जी नु परसिया मेरे गुरु नानक दे उन्हां दे बंधन कट दिते, जिन्हें समर्थ गुरु नानक साहब दे चरणां नु पकड़ लिया उन्हां नु गुरु ने जी दान दे दिता, पर जिन्हां ने शरदा भावना नाल स्पर्श किया। देखो बाबा राम किशन जी सेवा पंथी महापुरुष जिन्हां दा स्थान देश दी वंड तो बाद पटियाले बनिया है, बड़े साधु ए सज्जन गुरु दा भय रख के भजन बंदगी करन वाले सन। गुरु नानक साहब दा पुरब आ गया, भावना है पुरब आया, कीर्तनीय सिख आ गए, उन्हां कीर्तन शुरू किया। कदी समा ऐसा भी आया सी जदों सिख कीर्तन करदे सन ते प्रसंग भी विच चला देंदे सन, कोई साखी बना के नाल तोड़दे। बाबा राम किशन जी, भाई राम किशन जी गुरु नानक साहब दे चरणा दे अनन सिख, उन्होंने कीर्तन सुनिया संगत विच बैठे, उन्होंने भावना नाल रागी सिंह ने कीर्तन शुरू किया ते सच्चे सौदे वाला इतिहासक प्रसंग उन्हें सुना दिता। ते ये साखियां जिहड़ियां होंदियां ने ये अंदर नूं हुलारा दे के गुरु दे सिद्धांत नूं जुड़न दियां प्रेरणा दिंदियां ने, पर साखी गुरु दे सिद्धांत अनुसार हो। जदों उन्होंने ये प्रसंग सुनाया हजूर नूं 20 रुपये दे के तोरदियां दिखाया, उस वेले वापस आउण दा जदों प्रसंग आया ते बाबा जी ने, बाबा कालू जी ने पुत्र दे उत्ते खत चुकिया, ते जदों गुरु का वह रागी सिंह सुनाण लगा भी गुरु नानक साहब दे चेहरे दे उपर अपने हाथ नाल वार कीता पिता जी ने, कहिंदे ने पता नहीं वह महापुरश केड़ी अवस्था विच जा पहुंचे, इको दम उच्ची सारी संगत विच उठ के रोण लग पए। देश काल समा उन्हां नूं भुल गया ते इको दम उच्ची उच्ची रो के कहन लगे, बाबा कालू जी मैं तेरे पैरी पैना, मैं तेरे तरले लेना, गुरु नानक साहब ते हुन आत चुकी, हुन आत चुकी, हुन ना मार करी। कहिंदे नाले रोई जान ते नाले उच्ची उच्ची कही जान, जिन्ने पैसे लए ने मैं एदू कई गुणा वध वापस कर देंगा, बस हुण मैं तेरी बांह पकड़ ली, हुण बाबे नानक उत्ते हाथ ना चुकी। हुण एक बंदा जिहदा अंदर रुख है उहनू की समझ इस बंदे दा अंदर की है। मैं बेनती करा तुसीं देखो किसी की मौत हुंदी है, सिर्फ उदाहरण है, जवान पुत्र की मौत हो गई, रस्ते विच अर्थी दे नाल नाल माई तुरी जांदी, कीरने पांदी है सड़क दे किनारे खलोत्या होया नू उहदे कीरनियां दा की पता, इह तां कवल उहनू पता है जिहदे पुत्र की अर्थी उठी जांदी है। अंदर सारिआं दा इक्को जिहा नहीं, यही तो सब तो वड्डी समस्या है कि जदों रब की बंदगी विच किते अंदरों कोई गुड़ुन हुंदा है ते शरई लोग उन्हों कई बार काफर कह के खत्म नहीं करन दा यतन करते, उन्हों मन मतिया कह के लोग भंडन दा यतन भी करते हैं। हुण उस बंदे दा जिथे अंदर खलोता है, जिथे उहदा अंदर टिकिआ है, जिन्हें जिन्हें गुरु नानक साहब दे एक बारी छू माणी वह मुक्त होए। गुरु अर्जुन साहब जी ने सुखमनी साहब अमृत बाणी विच गुरु दी छू केड़े केड़े तरीकियां नाल मिलदी सी उहदा जिक्र कीता है। अज भी वह गुरु की छू मिलती है भावना वाले खिरदियां। उत्थे साहब ने कहा गुरु नानक साहब की कृपा करन दे तरीके सन, कईआं नूं तां सुते सिद्ध दर्शन करन दे नाल ही रहमत मिल गई, कईआं ने दर्शन किते पर उहनां ने शब्द सुनिया ते टिका मिलिया, कईआं नूं गुरु दे चरणां ते मत्था टेकदिआं स्पर्श करदिआं ही उन्हां नूं टिका मिल गया, गुरु का स्पर्श मिल गया। ते कई सज्जणां ने गुरु का मंत्र जपिया, उन्हां दे अंदर नूं टिका मिलिया। गुरु दी छू प्राप्त होण दे तरीके गुरु अर्जुन साहब जी ने दसे ते फरमाया, कहन लगे सफल दर्शन पेखत पुनीत, गुरु नानक जी नूं जिन्ना परसिआ सफल दर्शन,
गुरु जी के दर्शन करने सफलता मिली, नेफल दर्शन नहीं। पेखत पुनीत वेखद्या सार उन्होंने लोगों के अंदर पवित्रता मिली। हुण तीन उदाहरण साडे सामने ने जिन्होंने बचन कोई नहीं सुनिया, दौलत दाई ने सिर्फ दीदार किए तो वो अंदर टिका मिल गया। आप सियाने बैठे हो, पहला दीदार दौलत ने पाया तो मेरे गुरु नानक साहब के दर्शनों में छू मिली। तो बीबी बाहर जा के बाबे कालू जी ने यह शब्द कह दिते सन, नहीं दर दर ते झोलियां अड के मंगिया कदी भुख नहीं सी गई, बस अज तेरे पुत्र की पहली झलक ने जन्मा जन्मा की भुखी कट दी है। हुण उदो किते गुरु नानक साहब ने बाणी ते नहीं उचार दी, शब्द ने केवल उन्हें दर्शन किए। तो मैं बाणी विचों प्रमाण दे के अर्ज कर रहा, गुरु की रहमत के तरीके ने सफल दर्शन। पेखत पुनीत उन्हें दर्शन किए, बस दौलत अंदरों दौलतमंद हो के चली गई, अखा भर के चली गई। तो अखा भरन का मतलब यह नहीं सी दुख सी, क्योंकि जो बंदे अत की खुशी मिल जाए उदो शुकराने अखा छलक जाए। उन्हें सिर्फ दर्शन किए। राय बुलार ने की तकिया है, सिर्फ उन्हें तीन खेडा वेखिया सन, एक रुख की शां नहीं टली, दूजी सर्प ने शां की। हुण असीं इहनूं बच्चियां वाली कहानी कहन लग पए ना, इह ते बच्चियां वालियां साखियां सन जी, सप की शां करनी साढ़े ते नहीं कदी किसी ने कर दिती। डॉक्टर तारण सिंह उन्हां ने तय भी जाके एक शब्द कहा सी, कहन लगे लोको इह साखी दे सिद्धांत नूं समझो, कहन लगे सप तीन चीज़ां दा बड़ा आशक है, एक धन ते सप आउंदा है, दूजा राग दा बड़ा आशक है, तीजे सप नूं जिथों ठंड मिलदी होवे उहदे नेड़े आ जांदा है। कहिंदे ने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह उहनां कोल शब्द की ठंड इन्नी है कि जहरीला सप भी उहदे कोल आके सकून महसूस करता है। चंदन के नेड़े सप की करन जांदा है? क्यों चंदन नूं सारा दिन चंबड़िया लैंदा है? क्योंकि सप नूं भी इन्नी कोई सूझ रब ने दित्ती है, तेरे अंदर की जहर नाल जिहड़ा तू तपिया है तेन कुछ समय लिए सुकून मिल सकता है जे चंदन नूं जीभ नाल जाके चटे। जे सप नूं इन्नी सूझ है कि मैं चंदन दे नेड़े जाना है इहदे कोल मैनूं सुख है, ते आखर उस सप नूं भी रब ने सूझ दित्ती किथे कई जन्मां दा जहर विच भटकना फिरना, देख चंदन तां एक दो घंटे कदी ठंड दिंदा ही, आ सरहमतां दा साईं आया दी सेवा कर लै तेरी जहर सदा लई उतर जाए। उहने शां कीती। दूजी गल, सप जिहड़ा उह धन ते जांदा है, उहनूं पता लग गया दीन दुनी दे खजाने दा मालक आया है, एदू वड्डा खजाना होर कितों नहीं मिलना, सप नेड़े आया है। सप राग दा आशक है, जहरीला सप भी बीण दे उत्ते नच नचदा है। ते उहने गल की, कहन लगा राग दा सोमा गुरु नानक साहिब आ गया, चल इहदी सेवा कर, किते कील के तेनू पटारी विच पा लै ते तेरे जन्म मरण दा दो कटिया जाए। मैं सिर्फ जिहड़ी बेनती कर रहा, सिर्फ शरदा दी अख नाल हो सकदा कईआं नूं इह गल नहीं पाउणी, उह केवल तरस दे पात्र हो सकदे ने, उहनां बारे होर कुछ नहीं आपां कह सकांगे। समरथ गुरु दे कोल एक दौलतां दाई ने पहला दर्श पाया, राय बुलार ने रुख दी छां देखी, सप दी छां देखी, ते जिस दिन जिमीदार दा खेत उजड़िया ते उस दिन बाबा जी ने इको शब्द कहे सन, जन्म साखी विचो भाई वे तेरा किछ नहीं उजड़िया, की होया जे मैया ने मूह मार लिया, खुदा इसे विच बरकत कत सी। जन्म साखी दे बचन ने कादा रौला पाना, भाई वे तेरा किछ नहीं उजड़िया। ते मैं कहना असल विच उस बंदे नूं छू ना ना जे मेरी, वह सिर्फ एक बाबे कालू का पुत्र मझां चारन वाला माही समझदा पिया, ते जे वह भरोसा कर लैंदा कहिंदे ने भाई तेरा कुछ नहीं उजड़िया, की होया मझां ने मूँह मार लिया, रब इहदे विच ही बरकतां पा देगा। राय बुलार ने देखिया, बस उहदी निश्चा बज गई, उहने बाबे दे तीन चलकारे देख के बाबे का मुरीद हो गया। हुण देखो ये सफल दर्शन, पेखत पुनीत
बेबे नानकी ने खून का रिश्ता नहीं जानिया कि मेरे तो 5 साल छोटा मेरा भरा है। हुण उस बेबे ने 5 साल की उम्र विच ही जदों वीर नूं चुकिया है ते समझ पै गई नहीं केवल तेरा वीर नहीं ये राध खाण वाला तेरा पीर है। उन्हें दर्शन किते गुरु की स्पर्श मिलिया उहदा पार उतारा होया। गुरु साहब कहिंदे ने गुरु नानक साहब नूं स्पर्शन दे तरीके सन। हुण सज्जन मिलिया इत्थे असीं कहांगे लो जी सज्जे दौलतां दर्शन करके तर गई। सज्जन क्यों ना तरिया? सज्जन तरिया गुरु कोल होर जुगत भी है तरां दी। उन्हें दर्शन किते रोटी लैके भांडे लैके आ रोटी खाओ। बाबे ने कहा नहीं रबाब दी तार छिड़ी बाबे दी रचना तो कीर्तन होया ते कीर्तन शब्द ने उहदे अंदर नूं खिच पा के बाबे दी छू दे दित्ती। सिद्धां नाल गोष्ट होई दर्शन सिद्धां ने भी किते ने पर गोष्ट करन तो बाद जदों बाबे ने सत नाम का चक्कर फिरा दिता ते सिद्धां नूं भी इह शब्द कहने पै गए सन सिद्ध बोलण शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई। जदों किसे ते देखने आ कौडे ने कल्ला देखिया दर्शन करदे उहदे अंदर नूं शांति आई। जदों देखने आ मैं उस दिन बेनती कीती सी मक्के विच जीवन ने लत मारी ते लत मार के उहनूं छू मिली। ध्यान दिया जे वह लत मार बैठा लत उहनूं मारी मैं कहना तू किसे तरीके ने नाल भी गुरु दे नेड़े जा तेरे अंदर नूं सुख मिलेगा। जे कुहाड़ी चंदन नूं कट्टण जांदी है चंदन कुहाड़ी नूं भी सुगंधी दे दिंदा। जीवन ने लत मारी लत पकड़ के कमाया ते बाबे ने उहदे लई मक्का कमा के रख दिता ते जिहड़े लत्तां पै मारदे सन वह चरण पकड़ के कहिंदे ने जान लगा पर घट्टो घट अपनी खड़ां दे जा तेरी खड़ां दी पूजा करांगे। हुण उहनां नूं झलक मिली। गुरु अर्जुन साहब के शब्द नूं फिर पढ़िए सी कि गुरु नानक साहब की स्पर्श मिलती है सफल दर्शन पेखत पुनीत। दर्शन करन नाल भी गुरु नानक साहब जी नूं परसिया जांदा है उन्हूं वेखदिआं पवित्रता मिलती सी। परसत चरण गत निर्मल रीत गुरु के चरण स्पर्श करन दे नाल जिंदगी दी मर्यादा पवित्र बनती है। तीजा तरीका भेटत संग राम गुण रवे गुरु नानक साहब नूं मिलिया अंदर नाम चलदा है। पेट संग राम गुण रवे ते जिहदे अंदर राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे। चौथा तरीका सी अज तो अगला पेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे सुनकर बचन करन आगाने। कीर्तन सुनिया ते छू मिल गई। सुनकर बचन करन आगाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अख्यो जा का मंत्र। पूरा गुरु जी का मंत्र कदी नाश नहीं होना। अमृत दृष्ट पेख है होए संत जिन्हू गुरु अखा भर के देख लिया सच जानो अमृत दृष्टि नाल भी संत हो गए। अज मेरे धन गुरु अर्जुन साहब ने कह प्यारियो जिन्हें गुरु नानक अविनाशी नू परसिया है मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरिया रे गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या से फिर गर्भास ना भरिया रे। मेरे गुरु अर्जुन साहब जी ने कह कहन लगे जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसिया से इत उत सदा मुक्ते। भाई गुरदास जी ने तो एक पौड़ी कही जड़ी केवी सी वाची है सतगुर पारस परसिया कंचन करै मनूर मलीना। समरत गुरु नू परसिया मनूर वर्गे मन कंचन हो गए। सतगुर बामन चंदनो वास सुवास करै लाखीना। समरत गुरु नू परसन नल जड़े वास सन ओ सुगंधी नल भरे गए। सतगुर पूरा पार जात सिंबल सफल करै संगलीना। कहन लगे मान सरोवर सतगुरु कागो हंस जलों दद दुध पीना। गुर पूरा दरियाओ है पशु प्रेत करे परबीना। सतगुर बंदी छोड़े जीवन मुक्त करै उडीना। जिन्हां दे मन किते नहीं सी भजे गुरमुख मन अपतीज पतीना उन्हां दे अपीजे मन भी भिज गए। जिन्हां नूं गुरु दी स्पर्श मिल गई फिर वह हिरदे पुकार उठे कह लगे सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरी है। ये गुरु दा स्पर्श है। जे गुरु दयालु होया अंदर दियां भावनावां नूं भाग लग गए। सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरी है सतगुरु होए दयाल ना कबू झूरी है
सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल ता हर रंग माणिए, सतगुरु होए दयाल ता जमका डर के हां, सतगुरु होए दयाल ता सदगी सुख दे हां, सतगुरु होए दयाल ता नवनिध पाईए, जिन्हों स्पर्श मिल गया सतगुरु होए दयाल ता सच समाईए। समर्थ गुरु जी दे, अज गुरु अर्जुन देव जी दे इस समाईए विच गुरु नानक साहब जी दी सिफत करदे आं। पहला बचन कह निरंकार आकार अछल पूर्ण अविनाशी, एदे अर्थ भाई वीर सिंह उन्हां ने इस प्रकार कीते ने, निरंकार जिस दा कोई आकार नहीं, आकार एदे अर्थ करदे ने कि जे एदे सवैये दे अखीर विच बाबे नानक दी सिफत है ते फिर सानू एदे अर्थ बाबे नानक नाल झुकाने पैणगे कि गुर परमेशर एको जान नू आधार बना के। निराकार है तू, तेरे आकार दे रूप विच सतगुरु नानक साहिब आए। निरंकार आकार अछल जिन्हों दुनिया की माया नहीं छल सकी, ते ओ चमक जिहड़ी सिद्धां ने भी दित्ते सन बाटे खप्पर ते बाबे ने देख के परत के आके कहा सी खप्पर दिता नाथ जी पानी पर लैवन उठ चाला, बाबा आया पानी है डिठे रतन जवेहर लाला, सतगुर अगम अगाधपुर केड़ा झले गुरु दी झाला, फिर आया गुर नाथ जी पानी छोड़ नहीं उस ताला, शब्द जीती सिद्ध मंडली की तुस अपना पंथ निराला। अछल तेनू कोई नहीं छल सकिया, तेनू जादूगरनियां नहीं छल सकिया, इथों तक के कामणियां काम नाल भरिया हुई सारी रात तेरे सामने नचिया, ते तुसी अमृत वेले कह दिता गाचो पुत्री राजकुमार नाम भाणो सच दोत उचा, तेनू छल नहीं सकिया। निरंकार आकार अछल पूर्ण परिपूर्ण है परमेश्वर का रूप, जे परमेश्वर परिपूर्ण तू करोड़ा ब्रह्मंडा विच परिपूर्ण है। अविनाशी नाश तो रहत है, तेनू कोई चीज नाश नहीं कर सकती। निरंकार आकार अछल पूर्ण अविनाशी, एदे अर्थ ये भी कीते ने तू निराकार है प्रभु, तू साकार रूप विच भी प्रगट दिसना पिया है, तेनू कोई छल नहीं सकदा, ते हे नाश तो रहत परमात्मा तेरे उत्ते कोई चीज जोर पा के तेरा नाश नहीं कर सकती। हरख वंत, हरख वंत दा अखरी अर्थ तू खुशी नाल भरपूर है, तेरे कोल खेड़ा ही खेड़ा है, तू खुशी विच मस्त है। आनंत हुण इत्थे विश्राम प्रोफेसर साहब सिंगोणा ने लाया कि हरख वंत आनंत रूप निर्मल बेगासी, वो अर्थ इस प्रकार करते ने हे वाहगुरु तेरा रूप तू खुशी वाला है, आनंत रूप का अर्थ करते ने तेरे बेअंत रूप ने, निर्मल है तू बेगासी दर से खेड़े विच रहना। भाई वीर सिंगोणा ने भाई साहब भाई जोगिंदर सिंह जी तलवाड़ा इतने विश्राम लाते पे ने, हरख वंत आनंत रूप निर्मल बेगासी, तू खेड़े वाला है। ते उस तो अगला बचन कहिंदे ने आनंत, हे मेरे मालका तू अनंत रूप विच पसरिया होया है, तेरा अंत कोई नहीं। रूप निर्मल बेगासी, तेरा रूप निर्मल है, बेगासी दा अर्थ तू पूर्ण खेड़े विच है, तेरा नूर मैल तो रहत है, इहदा मतलब कि शब्द इत्थे टुकेगा। रूप निर्मल बेगासी, तेरा रूप पवित्र तो निर्मल है, खेड़े विच है। ते जे होर आपां डूंघाई नाल सोचिए ते रूप नूं डेली द्वीपक वजो भी अर्थ हो सकदे। अर्थ ने हरख वंत आनंत रूप निर्मल बेगासी, हे परमात्मा तेरे अनंत रूप ने सहस्तव नैन, हे मेरे मालक जी तेरे अनंत रूपां विच भी तू मैला नहीं, जे सारिआं विच वर्तना है तू मैला ते नहीं, तू निर्मल है, तू विकास विच खेड़े विच है।
हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावै बेअंत बेअंत लोग जेडे ने तेरे गुण पै गाउंदे ते पता नहीं किन्ने कु गाउंदे मंदिर विच सवेरे घड़ियाल वजदा कोई तेरे गुण हरी हरी कह के गा रहा है सवेरे कोई बांग देंदा उच्ची तेनू रब कह के या अल्लाह कह के तेनू पुकारदा पे है कोई गरजे गिरजे विच घड़ियाल खड़कांदा तेनू पुकारदा है मेरे मालका बेअंत लोग ने जेड़े तेन गाउंदे पए ने पर अंत एक तिल नहीं पासी बेअंत लोग बेअंत जुगां तो गाउंदे पए ने पर बेअंत वाहगुरु जी तेरा तिल जिन्ना भी किसी ने अंत नहीं पाया आखें ईशर आखें सिद्ध आखें केते कीते बुद्ध आखें दानव आखें देव आखें सोर नर मुनजन शेव केते आखें आखण पाहें केते कह कह उठ उठ जाए एते कीते होर करें जिन्हें अज तक हो चुके ने देखो शब्द दे अर्थ सदीव काल सर्वकाली टुकणगे यह नहीं कि जो बाबे नानक ने बाणी उचारी उदो क्या भी जिन्हों हुण तक होए ने मैं कहना जिथे भी सिखा तू अर्थ करेगा जिन्हें अज तीकरा हो चुके ने जे परमात्मा इदू दस गुणा होर पैदा कर दे ते तिल मात्र फिर भी तेनू किसे नहीं कहना केते आखें आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाए केते कीते होर करे ता आख ना सकै कई के तेरा किसे ने अंत नहीं पाना गुण गाव है तेरे गुण गाउंदे ने कौन बेअंत बेअंत जीव गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी एक तिल मात्र भी तेरा उन्होंने अंत नहीं पाया गुण गाउंदे गाउंदे चले गए हजूर ने अगे फरमाया जा कहो हो है इथे बिंदी हखे हाहे नू होड़ा होड़े तो अगे बिंदी ते हाहे नू सियारी असल विच बिंदी जेड़ी ऐसी सियारी तो बाद बोलनी हजूर ने फरमाया कहन लगे जा को हो है हुए नहीं होड़े नल बिंदी नहीं जा को हो है किरपाल ते जान ही पाठ ते जा जे सुते ते जान दे अर्थ होर बन जांदे ने जान दा अर्थ होर भी हुंदा है ए काम कर ली जे नहीं करना जान आ कर ली जान दा अर्थ होर भी हो सकदा है इत्थे जा दा अर्थ ते जेड़ा जिस इत्थे जदों असीं जपजी साहिब विच भी पढ़ने उत्थे भी पाठ बिंदे तो रहते जा करता सिरठी को साजे जिस ने सृष्टि बनाई है इत्थे हजूर ने फरमाया जा को हो है किरपाल हे मेरे मालका जिस उत्ते तुसी किरपाल हो जाओ बेअंत तां गुण तेरे गाउंदे ने पर जिदे उत्ते तू किरपालू हो जाए जिदे उत्ते तू दयालू हो जाए फिर कहन लगे सो जन तुम्हें मिलासी हुण इत्थे जन दे नन्ने नू सिहारी वाहिगुरु औंकड़ है कि एक वचन सो जन दरते ओहो जन सो जन करना दा पाठ सस्से नू होड़ा नहीं लगा सिर्फ औंकड़ लगी है सो जन नहीं एक दिन अगे भी अर्ज कीती सी देखो ए नहीं ज्यों ज्यों पाणी बाणी दा पाठ दा अभ्यास करने आ ना ए नहीं अज तो 10 साल पहला जिहड़ी कथा चाह के आ जी अज बदल क्यों गया क्योंकि उदों अकल उन्नी कुछ सी हुण जे परमात्मा जे हुण सूझ दे दा मतलब ए नहीं है सूझ अखीर हो गई है हो सकता 10 साल बाद होर समझ पए ते मत समझो भी अर्थ बदल गए समरथ गुरु है उन्हों समय ते अकल दे भांडे विच डब्बे विच बंद नहीं किया जा सकता असी मुत्तां तो पढ़ते रहे सो कहो टल गुर सेवी है हुण गुरु ग्रंथ साहिब विच सस्से नू होड़ा नहीं लगा सो नहीं खाएगा कई सौ पढ़ी जाते पाठ है सो कहो सस्से थले औंकड़ लगी है सो कहो टल गुर सेवी है इत्थे हजूर ने मेहर कीती कहन लगे जा को हो है किरपाल जिदे उत्ते तुसी किरपालू हो जाओ कहन लगे सो जन दा अर्थ पाठ वक्रा वक्रा वैसे सो जन ओ सेवक प्रभु जी तुम है नहीं खाहे नू सिहारी लगी तुम है तुहानू मिलासी मिल पाएगा
साड़ी अपनी कोई मुशक्कत नहीं, मेहनत नहीं, जिदे उत्ते रहमतां दे साईं तू किरपाल हो जाए। बाबा जी का एक बचन असी पढ़ने, कहन लगे मेरे मालक जी कि जिसनू बख्श लहे मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे। ओ जन तेरे चरणा विच मिल जाएगा जिदे उत्ते तू किरपालू हो गया, दयालु हो गया। अगला बचन है धन धन ते धन जन। इस पाठ नूं फिर सरवण करिए, धन धन ते धन जन। तीन वारी शब्द वरते है, ओ धन ने ते धन जन। इहदा मतलब जन नूं तीन वारी धन धन कहा है। ओ धन है, ओ धन है, ओ धन है। कौन? जे कृपाल हर हर भयो। इत्थे पाठ भयो करना है, जिन्हां उत्ते मेरा वाहिगुरु स्वामी कृपालू हो गया है। ओ धन ने ते तीन वारी धन क्यों कह दिता जी? आम तौर ते अर्थ कीते ने गुरमुखां ने यही कि ओ धन धन ने जी, पर गुरमुख प्यारे भाई साहिब होणी करदे ने कि धन धन ते धन जन। ओ पहला भी बीते विच भी धन ने, हुण भी धन ने, ते जिन्हां नूं तूं कृपालू हो गया, जे सदियां बाद भी उन्हां दी गल चलेगी उन्हां धन ही रहना है। कबीर पहला भी धन है, अज भी धन है, ते जदों असीं मर जांगे साडे अगलियां पीढ़ियां चलणगियां उदन भी कबीर नूं धन ही कहणगे। तिन्नां कालां विच उहदी धन धन है। ते सतगुरु ने बाणी विच कहा तिन्नां कालां विच ते तिन्नां लोकां विच चलिया पातशाह जन्म सवार वाजा वाए सी, मानस क्या विचारा ते हुण लोक सुणाए सी। धन धन ते धन जन। कौन जी धन? जे कृपाल हर हर भयो। जिन्हां उत्ते खरी परमात्मा कृपालू हो गए, ते महाराज जिन्हां ते कृपालू हो, इहदे लक्षण की? कहन लगे हर गुर नानक जिन परसियो।